हेलो भाई, तुम तीनों ना एक काम करो, फटाफट से मेरे घर पे आ जाओ, हम तीनों मिलके कैरम बोर्ड खेलेंगे आज। हाँ भाई जल्दी आओ, फटाफट धमाल मचा देंगे। ठीक है जल्दी आओ। गुड बेचारे। अरे भाई हम आ गए कैरम बोर्ड खेलने तेरे साथ, और अपने सारे दोस्त भी लेके आए हैं। एक और एक्स्ट्रा, सही है, ये तो और भी अच्छी बात है। आ जाओ कैरम बोर्ड खेलते हैं, जल्दी आओ। भाई लेकिन एक बात बता, एक कैरम बोर्ड में 5 लोग कैसे खेलेंगे? बेटा अगर आज तो 20 भी होते ना, तो 20 भी एक साथ खेल सकते थे। अच्छा चलो बच्चों कैरम बोर्ड खेलते हैं। अरे भाई ये तेरी मम्मी कुंडी क्यों लगा रही है, और इनके हाथ में झाड़ू क्यों है? भाई मैं नहीं करूंगा साफ सफाई। नहीं 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 नहीं, मैं भी नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, हम भी नहीं करेंगे। मेरे बाप ने भी यही बोला था। बेटा चुपचाप सफाई अभियान पे लग जाओ वरना। मैं झाड़ू मारूंगा, मैं पोछा मारूंगा, मैं बर्तन साफ करूंगा, मैं कपड़े धो दूंगा। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, उठाई के झाड़ू सफाई वाला, मिल जाए मंत्र स्वच्छता वाला, फिर हम ऐसे करें कमाल, दुनिया दे फिर अपनी मिसाल। अरे राम दुहाई, इतनी गंदगी क्यों फैलाए? अरे वाह पूरा घर चमक गया। अरे बच्चों कैरम बोर्ड खेलोगे? खेलो अरे वाह क्या मस्त रंगोली बनी है, अभी इसकी फोटो खींच के फैमिली ग्रुप में भेज देती हूँ, सभी जलेंगे। अरे मम्मी आपको एक मस्त बात बताता हूँ, वो शर्मांकल नहीं है शर्मांकल, वो है ना स्कूटी से धड़ाम यूं गिरे। शर्मांकल तो गिरे, जो गिरे वो आंटी है ना मोटी मोटी आंटी, वो भी गिर गई, और शर्मांकल तो झट से उठ गए और मोटी आंटी ने उठा ही ले गया। मजा आ गया मम्मी आज तो देख के, और शर्मा अंकल आंटी को यू 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 खींच खींच के उठा रहे, उठा ही नहीं पा रहे। रंगोली खराब करने पे माँ ने बेटे के करी डंडे से पिटाई, बेटा कोमा में। ना हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा। नहीं मम्मी, मम्मी देखो देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा पाँव फिसल गया मम्मी, मम्मी मेरा पाँव फिसल गया, सारी गलती इस पाँव की है। और मम्मी आप चिंता मत करो, मैं बनाऊंगा रंगोली, मैं अपने इन हाथों से, और एक नहीं दो दो रंगोली बनाऊंगा, दो दो ठीक है? बस मम्मी आप गुस्सा मत हो ना, ठीक है ना मम्मी? व्हाट अ रिलीफ, मजा आ गया करके। अरे वाह पप्पू,
तुम तो बड़े कमाल के निकले, इतनी पावरफुल टट्टी करते हो। और कर ले रंगोली खराब, आया मजा? मम्मी एक काम करो, एक ये वाला भी ले लो, नहीं ये पांच ले लो, ये वाले 150 ले लेते हैं। ये डाल, ये एक ही लेते हैं। ठीक है। मम्मी ये कलरफुल भी लेते हैं, कलर वाले ले ले, सारे ले लेता हूँ। ये वाले भी ले ले, ये वाला ले, एक ले लेता हूँ। हाँ आंटी जी कितने हो गए? 200 रुपये के हो गए। इतने से दिए के 200 रुपये, इतने ज्यादा? आपको पता है 200 रुपये में मेरी मम्मी इसके ट्रिपल दिए ले आएंगे, तीन गुना दिए। इतने पैसे तो मेरी मम्मी कभी नहीं देगी आपको, इतने दिए गए समझे, है ना मम्मी? ये क्या मम्मी, सब्जी वाले से तो आप 5 रुपये के लिए इतना लड़े, उसके गले पड़ गए थे, और आज आपने इतने ज्यादा रुपए दे दिए। अरे बेटा ये साल भर के त्योहार के लिए हैं, समझे, साल में एक बार आता है, और त्योहार पे बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये तो बेचारे एक दिन के लिए बैठते हैं, और सब्जी वाला रोज लूटता है, समझा? चल अब। मम्मी आप भी कमाल हो, मतलब आपको सब पता है सब्जी वाले से कब बार्गेनिंग करनी है, दिए वाले से नहीं करनी, त्योहार पे नहीं करनी, मतलब कमाल ही हो आप। और है ना मम्मी ये सारे के सारे दिए मैं लगाऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ लेकिन ये बड़े वाला मत लगा ना, ये पूजन के लिए है। ठीक है ये आप रख लेना। हाँ ठीक है, चलो जल्दी। आज तो देख बेटा 10 रुपये का नोट तुझे जीत के रहूंगा, ये देख। अरे 10 का नोट तो मैं भिखारी को दे देता हूँ, मैं तेरे से 20 का जीतूंगा, देखियो। कितना बुरा टाइम आ रहा, कितने छोटे छोटे बच्चे देख जुआ खेल रहे। हाँ मम्मी ये तो बहुत बुरा है। हैं? ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अबे रोहित तू? ओए तेरे दोस्त है ना ये? हाँ मम्मी लग तो वही रहे हैं। अब देख कैसे खाल उतारते उनके। मारो मारो मम्मी इनको मारो। अरे निकम्मे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या, त्योहार पे तू जुआ खेल रहा? अरे रामचंद्र कमीने, तेरी क्या उम्र हुई है, देख कितने छोटे बच्चे नालायक माँ बाप का नाम डुबो रहे हैं। मैं बताती हूँ तुम्हें, अरे कमीनो नहीं जाओगे तुम? मम्मी मारो, नहीं जाओगे तुम? नहीं आ रही तुम्हें, मैं बताऊँ? आने नहीं चाहिए आज के बाद तेरे पास, ये समझ गया? ठीक है मम्मी, इनको तो मैं बताऊंगा रामजादों को। निकम्मे मेरे को भी पिटवाएंगे किसी दिन, माँ बाप का भी नाम डुबो रहे है। अरे यार इस सोन पापड़ी का हर बार है, अब किसी को मैं दे के आऊंगा फिर ये घूम के वापस हमारे घर आ जाएगी, इस बार इसका पक्का इलाज करता हूँ। शर्मा जी के घर जाता हूँ और चुपके से ये रखता हूँ और उनकी मिठाई उठा के लाता हूँ, ये बेस्ट तरीका है। सोन पापड़ी अब दोबारा नहीं आएगी हमारे घर। यस गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, छतरी न थी बगल में। अब शर्मा जी को पता भी नहीं चलेगा उनकी मिठाई कौन ले गया और सोन पापड़ी कौन रख गया। अब ये कहां से टपक पड़ा? बेटे बेटे इधर तो देख। हाँ अंकल जी, ये मिठाइयां लेके कहां जा रहे हैं? ये मिठाइयां? अरे हाँ अंकल जी मिठाइयाँ तो मैं देने आया था आपको, हैप्पी दिवाली, वो घर पे कोई था नहीं तो मैं तो चल दिया था यहाँ से, शुक्र आप मिल गए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा, तू तो हर बार सोन पापड़ी लेके आता था, इस बार बीकानेर वाली की मिठाइयाँ कैसे ले आया तू? अरे अंकल जी यही तो बात है, इस बार मेरे पापा ने पैसे खर्च किया है, सोन पापड़ी की जगह बीकानेर की मिठाई दी है, ठीक है? और सोन पापड़ी वैसे आप देते हो कंजूस कहीं के। ठीक है अंकल जी वैसे मैं चलता हूँ अभी, ठीक है ओके बाय। ओके बाय। ये तो जानी पहचानी से मिठाइयाँ लग रही है बीकानेर वाली की। अबे वो चोर मेरे घर की मिठाइयाँ मुझे ही देके जा रहा है, रुक तू वहीं पे। रुके रुके चोर चोर मेरे घर की मिठाई मुझे ही लेके चला गया, चूना लगा के चला गया, रुक तू। अरे मम्मी 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 देखो वो अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, इनसे बचा लो मम्मी मेरे को। अरे क्यों पड़ा है मेरे बेटे के पीछे? अरे मैडम जी आपके लड़के ने मिठाइयाँ चुराई है, चोर है आपका लड़का, चोर। अबे पागल हो गया क्या तू? आपके लड़के ने मेरे घर से मिठाइयाँ चुरा के मुझे ही दिया, पूछो अपने लड़के से।
है ने? तूने मिठाई चुराई है? हाँ। दे इनकी वापिस दे। तू चुराई तूने? क्या मम्मी, हमारे घर पे तो हर साल वो सोन पापड़ी आती है, क्या वो सोन पापड़ी खाता हूँ मैं? और वैसे भी मैंने चुराई नहीं है, सोन पापड़ी रख के आया हूँ बदले में, एक्सचेंज की है, एक्सचेंज। समझा? चोर नहीं है मेरा बेटा, समझा? रख अपनी मिठाई। तू देखियो कितनी बढ़िया मिठाई बनाऊंगी मैं, समझा? हाँ मैं अभी तो देखू ये बुढ़िया क्या बना के खिलाएगी तेरे को। आज मैं देसी घी के मालपुए बना के खिलाऊंगी, इनके तो पितरों ने भी नहीं खाए होंगे। ये मिठाई तो ला नहीं सकते, ये बनाएंगे पकवान। खड़ा रह यहीं, देख लियो, चल तू। दोनों के दोनों फटाफट ईंट लगा के चूल्हा बनाओ और तई रखो, उसमें आग लगाओ, उस कमीने की छत्ती में आग मैं लगाऊंगी। चलो जल्दी। अभी किया मम्मी। चल जी, चल जी। चलो पापा, तू चल मैं आता हूँ। आप भी साथ चलो। अरे वाह मम्मी, ये तो एक नंबर बने हैं। तभी तो मैं कह रही थी क्या करेगा मिठाई का। अरे मैं जो बनाऊंगी वो मिठाई कुछ भी नहीं है उसके आगे। अंकल खाओगे? हाँ हाँ। एक काम करो, धक्के खाओ और वो भी अपने घर जाके, ठीक है? बेटा थोड़ा सा तो दे दे। थोड़ा सा सूंघने तक को नहीं मिलेगा, ठीक है? निकलो यहाँ से। कह रही थी ना मैं मेरे बेटे से पंगा लेगा। अरे ऐसी ऐसी मिठाई तेरे जैसी तो हमारे कुत्ते भी ना खाते, भाग इनको लेके। अरे पप्पू पंडित, खाने पे फोकस कर, उसकी क्लास तो ये दोनों लेते रहेंगे। डाटो डाटो डाटो, और आन दो और आन। अरे मम्मी आप क्या बनाते रहोगे, आप भी खाओ ना। अरे बेटा पहले तुम खाओ, बनाते बनाते नहीं खाते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश, जय गणेश देवा, एक दंत द्वयवंत चार भुजाधारी। अभी लक्ष्मी जी की आरती भी करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। अरे पूजन के बाद है ना बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। पैसे? हाँ तो दे दो पापा। दो ना पैसे, पापा दे दो ना पैसे। पांच सौ का नोट दो पापा दो। ये 500 का दे रहा हूँ, 10 रुपए खर्च के 490 वापस ला दियो। नहीं सारे तेरे। सारे मेरे? ठीक है मम्मी। हाँ चोल ले अच्छे से बेटा, मन्नत तो मान ले, अच्छी सी बहू आ जाए मेरे। अच्छा बहू के लिए दो बार हाथ जोड़ूंगा। तुम क्यों जोड़ रहे हो, तुमको थोड़ी ना माननी है। अच्छा मेरी नहीं आई ना, एक को तो संभाल लो पापा। चलो दिए लगाएं। हाँ मम्मी चलो दिए लगाते हैं।
सोच की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। हैप्पी दिवाली दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे लाल बटन है उसको दबा दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, सबसे मेन बात, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।